सोशल मीडिया पर हर जगह चल रहे हैं सिर्फ प्रियंका चार चौधरी के चर्चे। जी हाँ, जब से कल आया है पोस्ट इनकी अपकमिंग वेब सीरीज का, तो प्रियंका चार चौधरी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि इनकी हो रही है तबीयत खराब, होना मीडिया इनके घर तक पहुंचने को है बिल्कुल तैयार। मैं आपको बता दूं, हर कोई यही जानना चाहता है कि प्रियंका चार चौधरी आखिर वेब सीरीज में इनका क्या रोल होगा। तो ऐसे में एकता कपूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 10 जून की रात का वेब सीरीज का पोस्टर रिलीज करती हुई नजर आई। और मैं आपको बता दूं, ये छोटी मोटी वेब सीरीज नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, क्योंकि इसमें जो अपोजिट होंगे, जो हीरो होंगे, वो तुषार कपूर होंगे प्रियंका चार चौधरी के साथ। मतलब कहते हैं ना, प्रियंका चार चौधरी काफी टाइम बाद प्रोजेक्ट लाई, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लाई, वो भी इंडस्ट्री के काफी ज्यादा बड़े एक्टर के साथ। अब सोचने वाली बात है कि कहानी किस पर होगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक बुक है जिसके ऊपर बिल्कुल ही कॉपीकैट बनाई गई है। उसमें मेन बात यह है कि प्रियंका चार चौधरी इसमें किस तरीके का अवतार लेकर कराएंगे अपना, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है। प्रियंका, आप एकता कपूर को पहले भी जानते, जब वो बिग बॉस 16 में आई थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी ना किसी को अपनी वेब मूवी के लिए ज़रूर ही चुनूंगी। और 10 जून की रात में प्रियंका चार चौधरी को चूज़ कर करके काफ़ी ज़्यादा फैंस को दे दिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका, क्योंकि प्रियंका चार चौधरी स्क्रिप्ट पढ़ती हुई साफ साफ आ रही हैं नज़र, तुषार कपूर के साथ इनका रोल होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाल मचने वाला है, क्योंकि फैंस हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये सुनकर के वेब सीरीज़ आ रही है। और प्लस आ रही है ये किस पर, जियो सिनेमे पर, और एपिसोड होने वाले हैं इसके 50। अब 50 एपिसोड, वो भी प्रियंका चार चौधरी के, तो जाहिर सी बात है प्रियंका के फैंस पूरा का पूरा फैंडम ऐसी की तैसी कर देगा पूरी की पूरी इंडस्ट्री की, क्योंकि वो यही चाहते थे कि प्रियंका की कोई वेब सीरीज आए या फिर आए मूवी। अब क्योंकि आ रही है, तो इसे देखकर के फैंस होने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। फटाफट आप इस बारे में क्या कहने वाले हैं कॉमेंट करके फटाफट बताएं।